नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। करंट अफेयर्स की जो अगली यूनिट है खासतौर से डीएसएसबी को ध्यान में रख के बनाई गई है, और इसके लिए मैंने सितंबर और अक्टूबर के करंट को ही ज़्यादा डाला है। बिकॉज अगर आप इससे पहले का अगर करंट देखेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स की लिस्ट में काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। और डीएसएसबी में एग्ज़ाम इतना जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि हमें अक्टूबर और सितंबर के ही करंट में हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसके बाद आज एक और ये यूनिट डाल रहा हूँ, और आई थिंक ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर और भी कोई करंट आता तो वो इजी आएगा, बहुत नॉर्मल सा आएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, सीधे हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला है नाविक सागर परिक्रमा। ये जो INS तारिणी, इंडियन नेवल शिप तारिणी पर 6 भारतीय नेवी महिला ऑफिसर्स है ना, इंडियन नेवी वुमेन्स ऑफिसर विश्व भ्रमण करेंगी सी रूट से, समुद्र के रास्ते से पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगी। 6 सदस्यों का ये दल है, INS तारिणी के नाम शिप को लेकर चलेगा, नाम है इसका नाविक सागर परिक्रमा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वुमेन से जुड़ा हुआ है, डिफेंस से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, जनरल रिवाइज करा रहा हूँ। हमारा सार्क देशों का सेटेलाइट इस साल छोड़ा गया था ना जून में, तो आप लोग को याद होना चाहिए उसका नाम GSAT-9 है। ठीक है, GSAT-9 क्या है? सार्क देशों का सेटेलाइट जो 15 वर्षों तक कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज देगा सार्क देशों को, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट है Mark 3, GSAT Mark 3। ये हमारा भारत का सबसे हैवी, सबसे भारी उपग्रह है अब तक का। ठीक है, याद रखने के लिए भारत का सबसे भारी उपग्रह Mark 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे छोटा सेटेलाइट कलाम सेट, क्या नाम है? कलाम सेट, जो कि एक भारतीय बच्चे ने ही बनाया था, रिफत शाहरुख नाम, आई थिंक, मगर गलत नहीं हो तो रिफत शाहरुख नाम का बच्चा था जिसने ये कलाम सेट नामक सेटेलाइट बनाया, और नासा ने इसको प्रक्षेपित किया है, इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट, इरमा। हाल ही में भी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ही इरमा नामक एक भयंकर हरिकेन आया है, तूफान जिसको बोलते हैं, चक्रवात जिसको बोलते हैं, और ये कैरेबियाई सागर के आसपास के क्षेत्रों में आया था। इससे अटलांटिक के क्षेत्र जो अमेरिका या मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के ऊपरी देश इससे प्रभावित रहे थे। तो क्या तूफान का नाम था? इरमा। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, उससे पहले मैं देख रहा हूँ जी रोहिणी कमेटी। जी रोहिणी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, और इस समय दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी हैं, आप लोग याद रखिएगा। जी रोहिणी के अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको हेड कराया है कमेटी के लिए, जो कमेटी OBC में जो एक सब कैटेगरी बनाने की बात की गई है, कि OBC में एक और सब कैटेगरी बनाने की बात की गई है, उसकी वैधता जांचने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है जी रोहिणी। गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। जी रोहिणी कमेटी OBC की सब कैटेगराइजेशन के विषय में जो भी लीगल पहलू हैं उसके बारे में जांच के लिए कमेटी को निर्मित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला टॉपिक है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का विवाद। आप देख रहे होंगे हर दूसरे तीसरे दिन नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या है? उन्होंने फिर से हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, और उसके बाद 2 बार उन्होंने जापान के ऊपर से मिसाइल दाग के परीक्षण किया है ना, बहुत खतरनाक है वो। अमेरिका पर लगातार हमले की चेतावनी दे रहा है, और अमेरिका के किस क्षेत्र को हमला करने की बात कह रहा है? गुआम। कौन सा क्षेत्र है? गुआम। प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक सैनिक अड्डा भी है, और उसका एक द्वीप भी है ना, जो अमेरिका के अंडर कंट्रोल में है। तो बार बार नॉर्थ कोरिया उसको बर्बाद करने का की धमकी दे रहा है, जो कि वो भी न्यूज़ में आ गया, पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है ये, और काफ़ी संकट वाली घड़ियां आ गई हैं अगर कोरियाई प्रायद्वीप में अगर देखा जाए तो। बिकॉज वहाँ पर अमेरिका ने कोरिया और जापान की सुरक्षा के लिए वो कटिबद्ध है ना, वहाँ पर इसने इसीलिए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो थार्ड, उसकी बहुत फेमस है, दुनिया में सबसे ज़बरदस्त एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी डिप्लॉय कर दिया है, जिसका चीन और नॉर्थ कोरिया ने विरोध भी किया था। तो सिचुएशन बहुत टेंस है, तो क्या पता क्वेश्चन उठ के अगर आ जाए, तो हमें इसके सारे पहलुओं को जानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट। ये 9वां समिट था ब्रिक्स, जो कि चाइना के शियानमेन में हुआ। चाइना के कहाँ हुआ? शियानमेन में हुआ। ठीक है, और भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी गए, ये राष्ट्राध्यक्ष ही वहाँ पहुँचते हैं। 9वां समिट था, और ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी बैठकें थी सब वहीं पे थी।
और इस जो घोषणा पत्र में पहली बार आतंकवाद का जिक्र किया गया और चीन की धरती पर ही चीन को एक प्रकार से कूटनीतिक हार मिली, भारत ने उन सभी आतंकी संगठनों का नाम उसमें डलवा दिया जिसका चीन हमेशा मानने से मना करता था, पाकिस्तान के जैश मोहम्मद चाहे हिजबुल हो, उन सब आतंकियों का नाम डलवाया उसमें, ठीक है। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन का भी जापानीज पीएम आए थे शिंजो एबे भारत में, तो बुलेट ट्रेन की घोषणा हो गई है जिसके अंतर्गत जापान मदद करेगा भारत को बुलेट ट्रेन के निर्माण में और यह ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के लिए, ठीक है। बहुत दीर्घ अवधि के लिए इसके लिए लोन भी दिया गया है, तो सब कुछ ठीक रहेगा तो अहमदाबाद से मुंबई हमें बुलेट ट्रेन मिल सकती है। डन। संयुक्त राष्ट्र का 72वां अधिवेशन 12 सितंबर को शुरू हुआ है, 72 सेशन है ना, जिसमें सभी राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वो जाते हैं और अपने अभिभाषण वहाँ देते हैं। 12 सितंबर से शुरू हुआ था, इस बार फिर पिछले साल की तरह तीखी नोकझोंक हुई है भारत और पाकिस्तान में, और भारत की ओर से सुषमा स्वराज जी गई थी 23 सितंबर को 23rd ऑफ सितंबर को उनका स्पीच हुआ था और 12 सितंबर को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक हो गया, न्यूयॉर्क में। अगला, YS मोदी कौन है? NIA के नए चीफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए चीफ YS मोदी कौन है? YS मोदी। नेक्स्ट, शशि शंकर कौन है? ONGC के नए चीफ, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए हेड, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में, CSIR के द्वारा है ना, जो भारत सरकार की एक संस्था है विज्ञान की, उसमें ये छह लोगों को दिया गया, लेकिन छठा नाम मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा तो मैंने पाँच लोगों के नाम लिख दिए हैं, दीपक थंगपन, नरेश पटवारी, सुरेश बाबू, विनय गुप्ता और अमित दत्त, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मुख्य रूप से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार भी। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर मार्शल अर्जन सिंह का, भारतीय वायुसेना के एकमात्र 5-स्टार जो सेंटर के अधिकारी अर्जन सिंह जी का निधन हो गया, जो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे 1965 के भारत पाक युद्ध के हीरो थे, और इनका हाल ही में निधन हुआ है 98 वर्ष की अवस्था में। इनके नाम से असम में एक एयरबेस भी बनाया गया 2016 में, दिल्ली के ये उपराज्यपाल भी रहे हैं, कीनिया में राजदूत भी रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे ये, ठीक है। और इनका जाना अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, ये एकमात्र तीसरे ऐसे अधिकारी थे जिनको कि फील्ड मार्शल 5-स्टार फील्ड मार्शल के बराबर का दर्जा दिया गया, और इनसे पहले जनरल करियप्पा और जनरल मानिक शाह को ही ये 5-स्टार एयर मार्शल या 5-स्टार फील्ड मार्शल की जो उपाधि है उसके बराबर का रैंक अब तक भारतीय इतिहास में मिला है इन लोगों का, ठीक है। तो ये अर्जन सिंह पे हमें क्वेश्चन मिल सकता है बिकॉज दिल्ली से भी इनका रिलेशन है। नेक्स्ट है, द गोल्डन हाउस बुक किसकी, द गोल्डन हाउस किताब किसकी है? सलमान रुश्दी, ब्रिटिश जो लेखक हैं, बड़े फेमस, कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं समय समय पे, तो सलमान रुश्दी की नई पुस्तक गोल्डन हाउस, ठीक है। कोरियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? PV सिंधु ने, पहली भारतीय है जिसने कोरियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, PV सिंधु। डन। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय के नाम रखा गया है ना, अभी जो भी बदलाव आ रहा है नाम में सब दीनदयाल उपाध्याय, और सारे नाम उत्तर प्रदेश में चेंज हो रहे हैं, सिर्फ ये बदले हैं गुजरात में, ये बहुत बड़ा बंदरगाह है गुजरात में, और उत्तर प्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के इसका दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय का जो बर्थ प्लेस वो मथुरा है। अगला है, प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है जिसके प्रमुख बनाए गए हैं विवेक देव रॉय, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ये विवेक देव रॉय, ठीक हो गया। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजर एडवाइजरी जो काउंसिल है उसके हेड बनाए गए हैं विवेक देव रॉय। अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? सुब्रमण्यम, क्या नाम उनका, समथिंग सुब्रमण्यम है ना, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, देखिए स्किप हो गया मेरे दिमाग से, एस सुब्रमण्यम की सुब्रमण्यम समथिंग है ना। अगला है, भगवान राम पर डाक टिकट जारी किया बनारस में नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, सितंबर में। किस पर डाक टिकट? भगवान राम पर, वाराणसी में जारी किया गया। नेक्स्ट है, नाग ये क्या है? अभी सितंबर में इसका सफल परीक्षण किया गया, एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल क्या है? नाग, जिसका सफल परीक्षण आपका किया गया है सितंबर में, ठीक है। रोहिंग्या समस्या, रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या, रोहिंग्या एक मुसलमान जाति है
म्यांमार की माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जाति है जो कि गृह युद्ध के कारण उसे वहाँ से भागना पड़ रहा है। वहाँ बुद्धिस्टों और रोहिंग्यास में काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें रोहिंग्यास काफ़ी बड़ी मात्रा में म्यांमार छोड़ के भाग रहे हैं और उसके कारण वो अपने करीबी राज देशों में जाके शरण ले रहे हैं। इससे बांग्लादेश और भारत में शरणार्थियों की समस्या हो गई है खड़ी और भारत में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों के आने के कारण देश की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए न्यूज़ काफ़ी बनी थी क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और भारत शरणार्थियों का पूरा सम्मान करता है, लेकिन भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि इल्लीगल रूप से आए हुए किसी भी शरणार्थी को देश में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो रोहिंग्या समस्या शरणार्थियों की है जो म्यांमार के हैं। नेक्स्ट, दीपावली पर संयुक्त राष्ट्र ने डाक टिकट जारी किया, साथ में कनाडा ने डाक टिकट जारी किया, इंपॉर्टेंट हो सकता है कनाडा। ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया दिवाली त्यौहार के ऊपर। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो मैंने कल की वीडियो कराई थी उसमें इकोनॉमिक्स के सारे उसमें नोबेल प्राइज सारे कराए थे, इकोनॉमिक्स कराया गया था तो मैंने आज करा दिया, रिचर्ड एच थेलर। किसको दिया गया है? रिचर्ड एच थेलर। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष क्या है? इंटेंसिफाइड और सघन शुरू किया गया है जिसमें कि 90% बच्चों को टीकाकरण के दायरे में ले आना है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने का भारत सरकार का एक बहुत बड़ी योजना। ठीक है, बच्चों के टीकाकरण से सिक्योर क्या है? हिमालयन रीजन में फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है सिक्योर। हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पति का संपदा, जैव संपदा का के संरक्षण के लिए जो कैंपेन चलाया गया वो है सिक्योर। नेक्स्ट है, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई है गांधीनगर गुजरात। बस इतना ही रटी है, ठीक है, डिजिटल से सब समझ गए क्या होगा। मथुरापूर्ण स्कीम क्या की है? कर्नाटका की है, कम दर पे खाना देने के लिए गरीबों को ये स्कीम चलाई गई है एक प्रकार से, जो और स्टेट्स में भी अलग अलग नाम से चलती हैं गरीब लोगों को सस्ता खाना उपलब्ध कराए जाने के लिए, तो कर्नाटका में ये शुरू हुआ है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसके अलावा आप डेली बेसिस के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, छोटी मोटी न्यूज़ करंट डेज में छोटे मोटे भी आ सकते हैं, है ना, जैसे नर्मदा वाला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के सामने, और बेसिक जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा। और मेरे हिसाब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में से ही करंट आपके जो हिस्से मैंने हैं वो आ जाएंगे, तो करंट अफेयर्स पढ़ती रहिए, इसको निपटाइए, बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने टाइम नहीं लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।